the next section is ozone depletion. Now, what is ozone? Ozone is a layer of gas. It is made up of oxygen, जो एटमोसफियर में होता है. एंड वॉट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ओजोन? टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सो दैट दे डोंट रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ. एंड दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन डैमेज द स्किन, लीड टू स्किन कैंसर, डीएनए डैमेज हो सकता है, एंड दे कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस. ओके, कैटरेक्ट आपको डैमेज कर सकता है. सो ओजोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, बट देर इज़ ऑल्सो बैड ओजोन. ओजोन का वो लेयर जो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, दैट ओजोन वो जब स्प्लिट होता है, O3 स्प्लिट्स इंटू O2 एंड O का फ्री रेडिकल, तो दैट फ्री रेडिकल इज़ गोइंग टू डैमेज द सेल्स, लिविंग सेल्स. सो इफ देर इज़ मोर ऑफ द फ्री रेडिकल्स, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स, इट इज़ गोइंग टू डैमेज द सेल्स. तो जो ओजोन नियर द अर्थ सर्फेस है, दैट कैन बी हार्मफुल, बट विच इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज एब्जॉर्बिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड प्रोटेक्टिंग अस. ओके, ओजोन ऑक्सीजन से बनता है. स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है, एंड इट इज़ ओजोन इज फोटो डिसोशिएटेड एंड इज जनरेटेड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब लाइट की वजह से, सनलाइट गिरने से ये बनता है. एंड इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाई शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशंस? दीज आर द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. जितना वो शॉर्ट होते हैं, उतना इट इज एक्चुअली शॉर्ट वेवलेंथ स्किन में पेनिट्रेट कम होता है. शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ABC होते हैं. द सी वाला इज द शॉर्ट वेवलेंथ, एंड ये सबसे डैमेजिंग यूवी रेडिएशन है. लेकिन ये फिल्टर आउट हो जाता है और अर्थ सर्फेस तक नहीं आता बिकॉज ऑफ दिस ओजोन. देन ओजोन O3 कैसे बन, जब डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट्स इनटू O2, दैट इज ऑक्सीजन प्लस O का फ्री रेडिकल. देन जब बनता है तो कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन प्लस O2 दैट इज, एंड ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ओजोन बनता है. देन द जनरेशन, दैट इज द फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द ओजोन, ये इक्विलिब्रियम में होता है. जितना ओजोन ब्रेक डाउन होता है, उतना ही ओजोन बनता रहता है, जिसकी वजह से देर इज अ स्टेडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर. मतलब एक स्टेडी लेयर होता है. ये लेयर कहाँ पे है? तो रफली 12-15 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इन द एटमोसफियर. ये ओजोन एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशंस को और ऑल लाइफ टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स को अर्थ पे प्रोटेक्ट करता है. देन कितना एब्जॉर्ब करेगा यूवी रेडिएशंस को, इट विल डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द ओजोन. ओके, थिकनेस इज जनरली मोर अबाउट द पोल्स देन एट द इक्वेटर. एंड यूवी रेज आर हाईली इंजूरियस टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो डीएनए और प्रोटीन्स को लिविंग सेल्स के खराब कर सकती है. दिस हाई एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन्स. देन थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोसफियर, उसका थिकनेस मेजर करने के लिए एक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड अ डॉब्सन्स यूनिट. ओके, नाउ दिस डॉब्सन्स यूनिट इज बेसिकली, इट इज इक्विवेलेंट टू द लेयर ऑफ प्योर ओजोन, दैट इज 0.01 mm थिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, देन सॉरी, फर्दर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ओजोन. तो ये जो ओजोन शील्ड है, दिस इज क्यों डिस्टर्ब होता है ये ओजोन का लेयर? तो बेसिकली बिकॉज ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन होता है बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैसेस जिनको हम बोलते हैं. ये CFC कूलिंग एजेंट्स में से निकलते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स एंड ऑल, एंड दे मूव अपवर्ड्स एंड दे रीच द स्ट्रेटोस्फीयर. यूवी रेज एक्ट होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे, और उसमें से क्लोरीन एटम रिलीज होता है. क्लोरीन जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड कर सकता है एंड मोर ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज करवाता है, तो ओजोन नहीं बचेगा. क्लोरीन एटम्स, दे आर बेसिकली एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, दे आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. सो वो स्ट्रेटोस्फीयर में हमेशा रहेंगे और ओजोन डिग्रेडेशन करते रहेंगे. वंस दे आर रिलीज्ड ओवर देयर, दे विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग द ओजोन डिग्रेडेशन, जिससे ओजोन डिप्लीट होता है, कम हो जाता है. ऑल्दो इट ऑकर्स वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फीयर,
द डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड, मतलब ये जो कम होने का प्रोसेस है वो ज्यादा कहाँ पे देखा गया, ओवर द अंटार्कटिक रीजन. सो दिस हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज थिन जोन. वहाँ पे एक बड़े से रीजन में ओजोन का लेयर पतला हो गया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ओजोन होल, जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली नीचे आती है और एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमंस को डैमेज पहुँचा रही है. यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी, दैट इज 100 to 280 नैनोमीटर्स, ये तो कम्प्लीटली अर्थ एटमोसफियर में एब्जॉर्ब हो जाती है इफ द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट. ओके, यूवी बी जिसका वेवलेंथ 280 to 322 नैनोमीटर्स है, ये भी डैमेज कर सकता है डीएनए को और म्यूटेशंस करवा सकता है. सो इससे एजिंग ऑफ स्किन हो सकता है, स्किन सेल्स को डैमेज पहुंच सकता है, स्किन कैंसर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ह्यूमन आई को डैमेज पहुंचा सकता है, कॉर्निया यूवीबी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड हाई डोज ऑफ यूवीबी कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, मतलब डैमेज टू द कॉर्निया, जैसे स्नो ब्लाइंडनेस होता है या कैटरैक्ट होता है. नाउ व्हाट इज द स्नो ब्लाइंडनेस? बेसिकली व्हेन दिस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल ऑन द स्नो, दे रिफ्लेक्ट, एंड व्हेन दे फॉल ऑन द आईज दे कैन डैमेज द आई एंड लीड टू ब्लाइंडनेस. ओके, देन ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन है, ओजोन डिप्लीशन के है, इसको रिकग्नाइज किया गया और एक इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया बाय ऑल द कंट्रीज, दैट वाज नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इट वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल प्लेस इन कनाडा इन 1987, ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलीज को और ओजोन डिप्लीशन को रोक सके. तो बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए एंड ये प्रोटोकॉल बनाया गया, एंड अकॉर्डिंगली एक उन्होंने प्लान बनाया फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज, ताकि वो एमिशन ऑफ सीएफसीज को कम कर सके और ओजोन डिप्लीटिंग अदर केमिकल्स को भी कम रख सके. देन ओजोन डिप्लीटिंग अदर सब्सटेंसेस क्या है अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन? दे आर हैलॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमोक्लोरोमीथेन है. ओके, सो देर आर मेनी अदर कॉम्पोनेंट्स जो इंडस्ट्रीज से वगैरह रिलीज होते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं. तो इन सभी को कंट्रोल में लाने के लिए उनकी जगह दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस यूज करने के लिए रिकमेंड किया गया. देन दे हैव आस्क्ड यू, कैन यू टेल मी हाउ पोल्यूशन बाय डोमेस्टिक गार्बेज कैन बी कंट्रोल? तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसको कैसे मैनेज करना है, ड्राई वेस्ट वेस्ट और वेट वेस्ट को, और हमको डिग्रेडेबल को कंपोस्ट करना है सोसाइटीज में ही, एंड जो रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट है उसको रिसाइकल करना है, रिड्यूस करना है यूज उसका. जो 7 hours वी हैव स्टडीड, गिव द इफेक्ट्स ऑफ सीएफसी ऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑन ओजोन शील्ड. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को कैसे खराब करते हैं वो भी जस्ट हमने देखा. देन द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो वी हैव स्टडीड, एंड प्लास्टिक बैन इन महाराष्ट्र इज एसेंशियल स्टेप. तो प्लास्टिक बैन के बारे में भी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा कि प्लास्टिक इज डेंजरस, वी नो, इफ यू बर्न इट इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन, इफ इट स्टेज इन द सॉइल इट लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन, वाटर में वाटर पोल्यूशन करवाता है, एक्वाटिक एनिमल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, दे गेट चोक्ड अप एंड दे डाय. ओके, सो यू कैन सी प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस. तो उसका इस्तेमाल हमको लिमिट में करना है, रिसाइकलेबल प्लास्टिक ज़्यादा यूज करना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन प्रोवाइड सम अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक लाइक पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा. तो इसलिए उसका बैन करना ज़रूरी था, क्योंकि वो हद से ज़्यादा यूज हो रहा था एंड इट वॉज क्रिएटिंग अ न्यूसेंस. सो आफ्टर द बैन इट हैज़ बीन मच अंडर कंट्रोल. सो दिस वॉज अ वेरी एसेंशियल स्टेप टू कंट्रोल द पोल्यूशन बाई प्लास्टिक. ओके, देन नेक्स्ट इज दे हैव आस्क्ड यू इन इंटरनेट इज माई फ्रेंड में फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या फ़ायदा है. देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कलर कोड, तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कौन से कलर के डस्टबिन क्यों यूज होते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं.